हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में, और आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं और वेरियस पेपर्स फ्रॉम बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, इवन एमकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो नोट्स सारे सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं, आप हमसे परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ असाइनमेंट्स भी अवेलेबल हैं, अगर आपको असाइनमेंट्स खरीदने हैं तो वो भी पॉसिबल हैं, ठीक है। और ऑनलाइन क्लासेस भी हम करवाते हैं, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के इंटरेस्टेड हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी आप हमसे कर सकते हैं, राइट। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो आज का होने वाला है वो होने वाला है कि लाइन और स्टाफ और ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, उनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके डिसएडवांटेज जो कि नीचे की तरफ है वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो ये वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हम यहाँ पे डेफिनेशन और साथ ही साथ इसके एडवांटेजेस को भी करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, ये कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ क्वेश्चन को, जो कि करने की आवश्यकता नहीं भी है। देखो, हमारा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर हम लोग करेंगे एडवांटेजेस, ठीक है। अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। सो लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अथॉरिटी एंड कंट्रोल इन लाइन मैनेजर्स एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्प्लिटिंग अथॉरिटीज इनटू वेरियस फंक्शनल मैनेजर्स एंड हैविंग लूज कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट्स। क्या बोला गया? लाइन ऑर्गेनाइज का मतलब होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, उनका कॉन्सेंट्रेशन होगा अथॉरिटी एंड कंट्रोल के ऊपर। मतलब लाइन मैनेजर जो होते हैं वो एक लाइन से काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना, वन बाय वन। जैसे कि एक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो उसने अगले वाले को भेज दिया, उसने अगले वाले को भेज दिया, तो इस तरीके से चीजें जो है काम करती है। लेकिन हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करेंगे तो उनकी खासियत ये होती है कि वो लोग अथॉरिटी को स्प्लिट अप कर लेते हैं आपस में, कि तुम ये संभालो, तुम वो संभालो, तुम ये करना, तुम वो करना, ऐसे करके, ठीक है। तो डिफरेंट फंक्शनल मैनेजर जो होते हैं वो अपने अपने काम को यू नो स्प्लिट कर लेते हैं, और उस तरीके से वो लोग काम करते हैं, और उसके कारण से वो लोग जो है अपने कंट्रोल को लूज कर देते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को। लेकिन लाइन और ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता, चीजें लाइन में होती हैं, वन बाय वन होती हैं, तो यहाँ पे दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन प्रपोज्ड, ठीक है। तो ये जो शॉर्टकमिंग था, जो प्रॉब्लम हो रही थी लाइन ऑर्गेनाइजेशन में और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में, इसको दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, निजात पाने के लिए इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने कहा करा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करा, है ना, उसको प्रपोज करा। इसमें क्या होता है, इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन द लाइन मैनेजर्स हैव लाइन अथॉरिटी ओवर इट्स द सबऑर्डिनेट्स एंड दे गेट द एडवाइस ऑफ द स्टाफ स्पेशलिस्ट व्हेनेवर नीडेड, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइन में क्या हो रहा है, लाइन मैनेजर्स क्या हो रहा है कि उनके पास एक लाइन अथॉरिटी है, एक बंदे ने कहा उसको वो करना है, उसने दूसरे बंदे को कहा उसको वो करना है, लेकिन साथ ही साथ जो उसकी सबॉर्डिनेट है उसके पास वो अथॉरिटी नहीं जा रही है, समझ रहे हो। वो सबॉर्डिनेट्स क्या कर रहे हैं, आपको स्पेशलिस्ट जो है, जो स्टाफ के स्पेशलिस्ट है, वो आपको आकर के बता रहे हैं कि देखो यहाँ पे ये चीज करने की आवश्यकता और आपको करना है। तो यहाँ पे लाइन मैनेजर भी ठीक तरीके से काम कर रहा है और आपका जो सबॉर्डिनेट है वो भी ठीक तरीके से काम कर रहा है, बिकॉज आप अपने पावर्स को लूज नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आपका मैनेजरशिप भी साथ में चल रहा है, साथ ही साथ जो स्टाफ स्पेशलिस्ट है वो आकर के आपको बता भी रहा है कि इस चीज की आपको आवश्यकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है काम कर रहे हो, राइट। तो सबॉर्डिनेट का रोल जो है यहाँ पे घट जा रहा है। लेकिन पहले वाले में क्या हो रहा था कि सबॉर्डिनेट के पास भी सारी पावर्स चली आ रही थी, जिसके कारण से आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रहा था और आपका काम का एफिशिएंसी भी घट रहा था। स्टाफ ऑफिसर हेल्प्स लाइन मैनेजर इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली, और यहाँ पे जो स्टाफ ऑफिसर होते हैं वो हेल्प करते हैं लाइन मैनेजर्स को, ताकि वो जो भी प्रॉब्लम उनको हो रही है वो उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आया, पहले हुआ करता था लाइन ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे लाइन ऑर्गेनाइजेशन तो ठीक तरीके से काम करता था, लेकिन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का ये शॉर्टकमिंग था कि वो धीरे धीरे करके क्या होता था कि उसका जो कंट्रोल है वो लोग लूज कर देते थे, किसके ऊपर, सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, कि सबऑर्डिनेट के पास पावर चलाता था वो उस काम को करता था। तो सबऑर्डिनेट के पास पावर चलाएगा तो मैनेजर फिर क्या करेगा, है ना, कंट्रोल तो मैनेजर के पास होना चाहिए। तो यहाँ पे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन निकाला, जहाँ पे लाइन ऑर्गेनाइजेशन जैसे चलता था वैसे चलेगा, यहाँ पे लेकिन स्टाफ स्पेशलिस्ट बना दिए गए, जो कि स्टाफ के बारे में कोई भी अगर शॉर्टकमिंग होती थी, कोई दिक्कत होती थी, तो वो स्पेशलिस्ट जो है मैनेजर के बारे में बात करते थे, मैनेजर से बात करते थे, और उस शॉर्टकमिंग को पूरा करने की कोशिश वो लोग करते थे, ठीक है ना। और धीरे धीरे करके ये जो प्रॉब्लम को एक तरह से एड्रेस किया गया, और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम जो है ठीक हो गई। तो सो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, देखो सबसे पहले इसका एडवांटेज है बेटर डिसीजन। सो प्रेजेंस ऑफ स्पेशलिस्ट फैसिलिटी इज लाइन मैनेजर्स विद एक्सपर्ट नॉलेज विच हेल्प इन टेकिंग बेटर डिसीजंस फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
है ना। तो यहाँ पे चूंकि स्पेशलिस्ट फैसिलिटीज मिलेंगी तो लाइन मैनेजर्स के पास यू नो एक एडवांटेज होता है कि उनके पास चूंकि एक्सपर्ट उनको फैसिलिटी मिल रही है, जो स्टाफ स्पेशलिस्ट है वो उनको आकर के गाइड कर रहा है, तो उसके कारण से जो आप डिसीजन लेते हो वो भी सही होता है, बेटर होता है ना। आपके पास अगर जानकारी नहीं होगी तो आप डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाओगे। तो आपको जो जानकारी है वो बहुत ही आसानी से मिल जा रही है फ्रॉम द स्पेशलिस्ट स्टाफ, ठीक है। रिलीफ टू अलाइन मैनेजर्स, अब इसके कारण से जो लाइन मैनेजर्स हैं उनको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उनको तो एक तरीके से डेटा जो है वो मिल ही जा रहा है स्पेशलिस्ट स्टाफ से, तो उनको थोड़ा सा रिलीफ जो है यहाँ पे मिल जाता है। सो प्रेजेंस ऑफ स्टाफ मैनेजर जो कि स्टाफ स्पेशलिस्ट हम बोल रहे हैं, स्टाफ मैनेजर्स प्रोवाइड मच रिलीफ टू द लाइन मैनेजर्स, है ना। लाइन मैनेजर्स कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स, व्हाट एवर स्टाफ टैकल्स विद द टेक्निकल एंड स्पेशलाइज्ड वर्क, वही बात बोली गई है ना। यहाँ पे उनको जो है एक तरह से छूट मिलती है, वो अपने रूटीन काम को कर सकते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को संभाल सकते हैं, कौन, लाइन मैनेजर्स, किसके हेल्प से, स्पेशलिस्ट स्टाफ जो है उसके जरिए, उसके हेल्प से, जो स्टाफ स्पेशलिस्ट है जो आपका यू नो जो एक तरह से जो एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है उन लोगों को, उन लोगों को जो देख रहा है, उनके होने से एक तरीके से जो लाइन मैनेजर होता है उनको काम में हेल्प मिलता है, क्योंकि स्टाफ सारी चीजें टैकल करता है, कुछ अगर जरूरत पड़ता है तो फिर जाकर को मैनेजर से बात करता है, राइट। तो जब तक जरूरत नहीं है तब तक वही संभाल रहा है, तो ये एक फायदा यहाँ पे मिलता देखने को मिलता है। बेटर मैनेजमेंट, तो डेफिनेटली लाइन एंड स्टाफ होगा तो आपका जो मैनेजमेंट है वो बहुत तरीके से हो पाएगा, लाइन मैनेजर को ज्यादा एंगेज नहीं होना पड़ेगा, स्टाफ अपना काम करेगा, जैसे ही कुछ दिक्कत होगी वो मैनेजमेंट को बताएगा और मैनेजर फिर उसके अकॉर्डिंग जो है एक्शन लेगा, तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, ठीक है। नाउ डिवीजन ऑफ लाइन अथॉरिटी एंड फंक्शनल अथॉरिटी इंश्योर्स दैट लाइन एंड फंक्शनल मैनेजर्स कॉन्सेंट्रेट ऑन फोकस ऑन द वर्क इन देयर ओन एरिया, है ना। तो ये जब चीजें बदल दी गई, लाइन का अपना अलग हो गया, फंक्शन का अपना अलग हो गया, तो इससे क्या हुआ कि लोग अपने अपने काम में फिर कॉन्सेंट्रेट करने लगे, लाइन को इधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, फंक्शनल को लाइन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो अपने अपने काम कर रहे हैं, तो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो फोकस है काम को लेकर के वो बढ़ता है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, वो इफेक्टिवली काम कर पाते हैं। सो बेटर मैनेजमेंट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी, सो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटिवली मोर फ्लेक्सिबल देन अदर ऑर्गेनाइजेशन, मोर स्टाफ कैन बी एडेड एज पर द नीडेड ऑफ द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट डिस्टर्बिंग द अथॉरिटी, विदाउट डिस्टर्बिंग लाइन अथॉरिटी। तो यहाँ पे बिना लाइन अथॉरिटी को डिस्टर्ब किए आप चाहो तो ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉइज आप यू नो रख सकते हो अपने पास अगर आपको जरूरत है तो, और ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे हर बार आपको ऊपर से जाकर के परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है, जो स्टाफ स्पेशलिस्ट होता है, जो असाइन किया जाता है जिसको जिस काम के लिए, वो उस काम को पूरा करने के लिए वो कोई भी चीजें कर सकता है, वो नए स्टाफ रख सकता है, नई चीजें कर सकता है, तो ये चीजें यहाँ पे पॉसिबल है, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ऑल्सो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फ्यू टॉप लाइन मैनेजर, है ना। तो जो स्टेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन का वो पूरी तरीके से किसी दो तीन लाइन मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, है ना। तो इससे फायदा ही है कि आपका काम जो है बहुत ही आसानी से चल पाएगा, आपने बाकी लोगों को जो है थोड़ी सी पावर दे दी है, थोड़ी सी अथॉरिटी दे दी है, तो वो अपने हिसाब से काम को कर पा रहे हैं एज पर द नीड। नहीं तो क्या होता था कि आपको पहले मैनेजर के पास जाओ, उनसे खुशामद करो, उनसे बात करो कि भैया मुझे ये चाहिए, वो आपको वो प्रोवाइड करेंगे, तब आपका काम आगे बढ़ेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं करना पड़ रहा, यहाँ पे आप जो स्पेशलिस्ट स्टाफ है वही सारे डिसीजन ले रहा है, सिर्फ कुछ मेजर डिसीजन होंगे तो ही वो लाइन मैनेजर के पास जाएगा, अदरवाइज वो खुद से संभाल लेगा चीजें। जब अपॉइंट करने का अथॉरिटी उसके पास है तो फिर तो वो कुछ भी कर सकता है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। फिफ्थ पॉइंट है एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च। यहाँ पे रिसर्च में जो है काफी ज्यादा एडवांसमेंट है, यहाँ देखा गया है कि चीजें जो है बहुत ज्यादा आसान तरीके से होती है जब हम लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हैं। तो सो एक्सपर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज थ्रू प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स इन इंट्रोड्यूसिंग इंप्रूव्ड मेथड्स ऑफ डूइंग वर्क और बाई इंट्रोड्यूसिंग इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। तो यहाँ पे एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च की जाती है जिसके जरिए ये पता करने की कोशिश की जाती है कि ऐसा कोई चीज जो कि लाने की जरूरत है जिसके कारण से एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड बोला गया इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। आपका जो प्रोडक्शन है उसको बनाने का जो चीजें हैं उसको आप इकोनॉमिकली अगर ला पा रहे हो या फिर आप उसका इस्तेमाल कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपका काम जो है वो और ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन वो चीजें कैसे पॉसिबल हो पाएंगी, वो चीजें विदाउट रिसर्च पॉसिबल नहीं है। तो रिसर्च करके यहाँ पे ये सारी चीजों को जो है अचीव किया जा सकता है। सो एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च हमें देखने को मिलता है इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ दैट, ठीक है। सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट है ट्रेनिंग ऑफ मैनेजर्स, राइट। तो यहाँ पे मैनेजर्स की ट्रेनिंग भी की जाती है, ये भी एक एडवांटेज है। अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट एडवाइस फ्रॉम द स्टाफ प्रूव्स टू बी एन एक्सलेंट टाइमिंग ट्रेनिंग अराउंड ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर द लाइन मैनेजर। अब जो लाइन मैनेजर है
पहले लाइन और फंक्शन में क्या हो रहा था कि आप काम कर रहे थे, तो फिर आपको नॉलेज हो रहा था, है ना, आपको जानकारी मिल रही थी। बट यहाँ पे लाइन मैनेजर अपना फिनांस, अपना रूटीन वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहा है, साथ ही साथ उसके पास चूंकि स्पेशलिस्ट स्टाफ है तो वो आपको चीजें इनपुट प्रोवाइड कर रहा है, उसके बेसिस पर आप डिसीजन ले रहे हो। तो एक तरीके से ये मैनेजर के लिए ट्रेनिंग का भी टाइम होता है, उनको जो है सारी जानकारी मिल जाती है तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो लोग डिसीजन भी ले पाते हैं, तो एक तरीके से उनकी ट्रेनिंग भी यहाँ पे होती है, समझ रहे हो। तो वो चीजें जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, एक एडवांटेज देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं आपके ट्रेनिंग ऑफ मैनेजर के बारे में, इसके एडवांटेजेस के बारे में, ठीक है ना। सो अवेलिंग ऑफ एक्सपर्ट एडवाइस, अब यहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइस ले रहे हो किससे, जो स्पेशल स्टाफ है उनसे, कौन ले रहा है, लाइन मैनेजर ले रहा है, इससे उनकी ट्रेनिंग हो रही है, उनको पता चल रहा है कि किसको क्या जरूरत है। आप खुद से जाके करोगे एक तो आपको टाइम लगेगा, समझ में नहीं आएगा, वो दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होती है, आपका काम बहुत अच्छे तरीके से होगा और आपकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी, राइट। यंग स्टाफ मैनेजर्स ऑल्सो लर्न एंड एक्वायर मोर एक्सपर्टीज इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। अब जो यंग स्टाफ मैनेजर्स हैं वो बहुत ही जल्दी चीजों को सीखते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीजें एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, एक्सपर्टीज एक्वायर करने की कोशिश करते हैं अपने रिस्पेक्टिव एरिया में, ताकि वो अपने काम को ठीक तरीके से अंजाम दे सके, ठीक है। तो दिस इज द टॉपिक, और लंबा नहीं करवा रहा, इस टॉपिक में हम लोगों ने लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वो करा और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो करें। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे डिसएडवांटेजेस, वीडियो थोड़ा छोटा होगा डिसएडवांटेज का, बट कोई नहीं, ये थोड़ा लंबा हो गया, और उसके बाद फिर कुछ और भी वीडियोस करेंगे, आपके एग्जाम्स में ज्यादा समय बचा नहीं है तो फटाफट इसको कर लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।